इस दुनिया में कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों होता है? एक ही घड़ी में पैदा होने वाला कोई गरीब बनता है तो कोई अमीर, ऐसा क्यों है? एक बार एक राजा के मन में यही अजीब प्रश्न आया कि मैं जब पैदा हुआ था तो मेरी जन्म पत्रिका में ज्योतिषियों ने राजा बनने का योग बताया था और आज सचमुच मैं राजा बना बैठा हूं, पर एक बात समझ में नहीं आती, जिस मुहूर्त, जिस घड़ी, जिस नक्षत्र, जिस लगन में मेरा जन्म हुआ था, उसी घड़ी मुहूर्त में अनेकों लोगों ने जन्म पाया होगा, तो मेरी तरह वे सब राजा क्यों नहीं बने? इस बात का उत्तर जानने के लिए राजा ने अपने दरबार में एक से एक बड़े विद्वान, ज्ञानी और ज्योतिषियों को बुलाया, पर कोई भी राजा की शंका का समाधान नहीं कर सका। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उठकर कहा, महाराज, आपके इस प्रश्न का उत्तर यहां कोई नहीं दे पाएगा। यदि आप अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो जंगल में चले जाइए, वहां तुम्हें एक महात्मा जी मिलेंगे, वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। अपने प्रश्न का उत्तर जानने का उत्सुक राजा उन बुजुर्ग व्यक्ति के कहे अनुसार अकेला ही जंगल की ओर चल दिया। घंटों यात्रा करने के बाद जंगल में एक महात्मा जी दिखाई दिए, जो आग के ढेर के पास बैठकर अंगार खाने में व्यस्त थे। सहमे हुए राजा ने महात्मा जी के पास जाकर के वही प्रश्न किया कि दुनिया में कोई अमीर तो कोई गरीब क्यों है? महात्मा ने डांटते हुए कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी क्षुधा से मजबूर हूं, यहां से आगे पहाड़ियों के बीच एक और महात्मा रहते हैं, उनके पास चले जाइए, उनसे तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई, राजा पहाड़ियों की तरफ चल दिया। चलते चलते अंधेरा छा गया, किंतु राजा ने साहस नहीं छोड़ा। मीलों तक पहाड़ियों पर चलने के बाद राजा दूसरे महात्मा के पास पहुंचा। राजा ने देखा, महात्मा चिमटों से अपना ही मांस नोच नोच कर खाने में लगा है। राजा को देखते ही दूसरे महात्मा ने भी डांटते हुए कहा, मैं भूख से बेचैन हूं, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने का मेरे पास समय नहीं है, आगे जाओ, पहाड़ियों के उस पार आदिवासियों के यहां एक बालक जन्म लेने वाला है जो 5 मिनट तक जिंदा रहेगा, सूर्योदय से पूर्व पहुंचो, तब तो बालक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। मित्रों, बिना किसी प्रतीक्षा के राजा गांव की तरफ चल दिया। पौ फटने तक गांव में उस दंपति के यहां पहुंचते ही राजा ने आदेश दिया कि जन्म लेते ही बालक को मेरे सामने नाल सहित पेश किया जाए। मित्रों, कुछ समय बाद बालक का जन्म हुआ और बालक को राजा के सामने लाया गया। राजा को देखते ही बालक ने हंसते हुए कहा, राजन, मेरे पास भी ज्यादा समय नहीं है, किंतु इतने ही समय में मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं। ध्यान से सुनो, तुम, मैं और दोनों महात्मा जो आपको रास्ते में मिले थे, अब से 7 जन्म पहले हम चारों भाई राजकुमार थे। शिकार खेलते खेलते हम जंगल में भटक गए, 3 दिन तक भूख प्यासे भटकती रही। अचानक हम चारों को आटे की एक पोटली मिली, जैसे तैसे हमने 4 बाटी सेकी और अपनी अपनी बाटी लेकर खाने के लिए बैठे ही थे कि भूख प्यास से तड़पते हुए एक महात्मा जी आ गए, और जो महात्मा जी तुम्हें जंगल में आग खाते हुए मिले थे, उनसे उन महात्मा जी ने कहा था कि बेटा, मैं 10 दिन से भूखा हूं, अपनी बाटी में से मुझे भी कुछ दे दो, मुझ पर दया करो जिससे मेरा भी जीवन बच जाए। सुनते ही भैया ने गुस्से में कहा, यदि मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं क्या आग खाऊंगा, चलो भागो यहां से। महात्मा जी मांस खाने वाले भाइयों के पास पहुंचे, उनसे भी अपनी बात कहने लगे। उन्होंने भी महात्मा जी को डांटकर भगा दिया और कहा, यदि मैं तुम्हें बाटी दे दूंगा तो मैं क्या अपना मांस नोच कर खाऊंगा। भूख से लाचार महात्मा जी मेरे पास भी आए, उन्होंने मुझसे याचना की। मैंने भी कहा, चले जाओ, मैं तुम्हें दे दूंगा तो क्या मैं भूखा मरूंगा। और अंत में आशा लिए महात्मा जी तुम्हारे पास पहुंचे, तुमसे भी दया की गुहार लगाई। सुनते ही तुमने बड़े हर्षित मन से अपनी बाटी में से
महात्मा जी को आधी बाटी आदर सहित दे दी। बाटी पाकर महात्मा जी जाने लगे और बोले, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्म व्यवहार से फले फूले। बालक ने कहा, इस घटना के आधार पर हम चारों आज अपना अपना भोग भोग रहे हैं। धरती पर एक समय में अनेकों फूल खिलते हैं, किंतु सबके फलों का रूप रंग आकार प्रकार स्वाद गुण अलग बनता है। इसी तरह कहते कहते बालक की आवाज थम गई। राजा ने अपनी राजभवन की ओर प्रस्थान किया और मान लिया कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने कर्म का ही भोग भोगता है। जैसा उसने पूर्व में बोया है वैसा ही उसे काटने को मिलता है। आज हम राजा हैं तो ये भी हमारे कर्मों का फल है। आज हम रंक हैं तो ये भी हमारे पूर्व कर्म का फल है। दुनिया में अपने कर्मों से ही व्यक्ति अमीर गरीब राजा और भिखारी बनता है। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में, अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।